चाहता हूँ मुंबई में भी आज अगर हम लोग रामफल मंडल जी का जो ये मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसका श्रेय सीधे सीधे आशीष सेलार जी को जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिहारी लोग इतने दबे हुए थे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कार्यक्रम करने से पहले सोचते थे यहाँ पर इस तरह का माहौल था। आज आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ महीनों पहले हमने राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्मदिन मनाया था। तो इस प्रकार से हम लोग को, हर समाज के लोग को, हर तरह का कार्यक्रम करने का सहूलियत आशीष सेलार जी के द्वारा दिया जा रहा है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि रामफल मंडल जी ने अपने बहुत ही कम उम्र में, उनको शहीद हो गए थे, आपको मालूम होगा, और उन्होंने जिस प्रकार तेवर में उन लोगों ने आक्रमण किया अपने शत्रु पे, ये वाकई तारीफ के काबिल हैं और इनका हक इनको मिलना चाहिए और हमारा प्रयास पूरा रहे। नासिक से हैं, नवी मुंबई से हैं, हर जगह से लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार क्रांतिकारी ये किए थे, अपना बलिदान समाज के लिए दिए थे। जो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उन्होंने सिर्फ राष्ट्र और देश के बारे में सोचा, और उन्होंने जो भी किया उसके बाद उनको फांसी हुआ और उनको वही शहीद का ये दर्जा, तो उनका ही शहादत दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। क्या ये हर साल आप मनाना चाहिए कि उन्होंने भी शहीद का ये किया था, शहीद मिलकर काम किया था, उन्होंने बलिदान दिया था, तो इनका शहीदों में नाम गिना जाए। सबने सोचा है कि हमारे बिहार में जितना से ज़्यादा जितना हो सहायता करें। मेरा नाम विशाल भगत है और मैं अपने तमाम दोस्तों और अखिल भारतीय धानुक उद्यान महासंघ मुंबई के द्वारा जो ये शहादत दिवस मनाया जा रहा है रामफल मंडल जी के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर शहीद हुए हैं और उनकी नाम जो है आज लुप्त होते जा रही है। आज भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार आने से वापस हम लोग उनको याद करने का मौका मिल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिहार में शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, उन लोगों को इसी तरह हर समाज के माध्यम से उन्हें याद किया जाए और देश को बताया जाए। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, क्योंकि अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिल चुका। मेरा नाम प्रकाश मंडल है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किए लेकिन हम लोगों की आवाज़ हमेशा दबाई गई है। बिहार के नाम से अगर देखा जाए तो बिहार के नाम से कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, लोगों में लूट और लोगों में बदमाशियां, लोगों में जो चीज़ें हैं बिहार के नाम से बदनामी दी गई है। लोगों को कभी बिहार के नाम से ये ऐसा नहीं कहा गया कि ये बिहार का है, तो लोगों में कुछ अच्छाई है तो उसको लेके आगे बढ़े। लोगों ने बिहार के नाम से, लोगों ने बिहारी बोल के बिहार के नाम से बिहारियों को बिहारी करके उनको दबाया गया। इसलिए आज जो हम लोग क्रांतिकारी होने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं शहीदों में दिया जा रहा है। आज बहुत ही धनु मंडल समाज का मैं बहुत ही आभार हूँ, क्योंकि उन्होंने शहादत रामफल जी का शहादत दिवस यहाँ पे मनाने का उन्होंने आयोजन किया है। आप जानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी जी अब आंदोलन उन्होंने चालू किया था तो पहला उनका सेंटर बिहार में हुआ था, पूर्वी चंपारण, और वो जितना भी उस एरिया के अगल बगल में जितने भी ज़िला है वहाँ के बहुत सारे हमारे समाज के लोग ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें हमारे रामफल जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। आप उनका इतिहास अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन उस कैटेगरी में उनको शामिल नहीं किया गया। उसके लिए हम लोग बिहार में भी कार्यक्रम किया जा रहा है और मुंबई में भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि ये मैसेज हमारे दिल्ली तक पहुंच सके, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी पहुंच चुका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके इनको भी उस कैटेगरी में दर्जा दी, इनको आदर सम्मान दिया जाए जहां पे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को दिया गया है। ना जाने इनके जैसे कितने लोग अपने आप को वीर गति को प्राप्त हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन उनका कोई नाम निशान नहीं है। तो आप एक अद्भुत आपको मिलेगा, जैसे वीर कुंवर सिंह जी ने लड़ाई लड़ा था 70 बरस के आयु में, उन्होंने तलवार उठा लिया था जब आज़ादी की लड़ाई एक
एक पीरियड खत्म हो चुकी थी, ऐसे ही हमारे रामफल जी ने अपना सहयोग किया और पता नहीं कितने अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया। बाद में ये केस हुई और आप जानते हैं कि कांग्रेस, यूनाइटेड कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना उसी टाइम में हो चुकी थी और वो जो सही दिशा में काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जबकि हमारे दो वकील बंगाल के पीआर दास जी और उनके सहयोगी दोनों ने मिलकर के बहुत लड़ाई लड़ी, केस लड़ा उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी जो एक होना चाहिए, जो एक डिसीजन होना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस भी हमारे बहुत सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो पा रहे थे। मेरा नाम सिराज शेख है और मैं सर्व समाज सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उन वीरों को याद किया जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम दिल से इनका मंडल जी का आभार व्यक्त करते हैं, अमर शहीद रामफल मंडल जी का, उनके शहादत को हम याद कर रहे हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में जब हम लोग अपने घर में व्यस्त रहते हैं या और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र में हमारे देश के में जो खराब वातावरण चल रहा था, जो अंग्रेज हमारे देश में गलत काम कर रहे थे उसको उन्होंने मतलब दूर करने का काम किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में 4 लोगों को गाढ़ासा से काट दिया।